चित सत्र के तीसरे दिन मोर्चा का सिलसिला देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर द्वारा धीरज साहू का पुतला जलाकर निषेध व्यक्त किया गया। इसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है विधायक कृष्णा खोपड़ी से। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर में इनकम टैक्स रेड में करीबन 300 करोड़ का अवैध माल बरामद किया गया, जिसके खिलाफ आज भाजपा द्वारा धीरज साहू का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया है। इसके साथ ही आज शहर में कांग्रेस की ओर से हल्ला बोल मोर्चा निकाला जा रहा है, उस पर बोलते हुए खोपड़े ने विपक्षियों पर तीखा तंज कसा। बीजेपी के विधायक कृष्णा खोपड़ी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज जो है भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया है और वहाँ पे जो है प्रतिमा भी जलाई गई है, क्या पूरा आंदोलन का विषय था, क्या बताएं? नहीं, कांग्रेस की दुकान बोले यानी ये भ्रष्टाचार की दुकान है और पूरा देश देख रहा है कि एक राज्यसभा का खासदार उसके घर से कम 50 तिजोरिया से नोट भर के मिले हैं और वो आंकड़ा कहाँ तक जाएगा ये भगवान ही जाने। और कांग्रेस ये भ्रष्टाचार की जननी है, ऐसे ही कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनके ऊपर जो मोदी जी का जो एक्शन चल रहा है, और मैं निश्चित रूप से केंद्र सरकार के का स्वागत करता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारों के नाम आगे आके अगर ऐसी भ्रष्टाचार की ये मुहिम अगर चलती रही तो शायद इसी देश का कर्जा जो देश के ऊपर है यही कर्जा खत्म हो जाएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस का हल्ला मार्च भी है, हल्ला बोल मार्च भी निकाला जा रहा है, वो भी शीत सत्र के तीसरे दिन सभी बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं और जैसे कि आरोप और प्रत्यारोप जो है दोनों तरफ से शुरू है। कांग्रेस का 2.5 साल का राज्य देखो, महाराष्ट्र का कुंभकर्ण की नींद सोई भी सरकार थी, मुख्यमंत्री उनके घर से बाहर 2.5 साल 2 साल नहीं निकले और कांग्रेस सरकार ने जो ये 2.5 साल में किया क्या है, काश्तकारों के ऊपर अन्याय किया, एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर नहीं लाया, बेरोजगारों को न्याय उन्होंने नहीं दिया और ये सरकार आने के बाद 1.5 साल 1.5 साल 1.5 साल हो रहा है, ये सरकार ने अनेक प्रकार के निर्णय लिए, अनेक जिहार जाहिर किए निकाले और ऐसा ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे जी के नेतृत्व में ये महाराष्ट्र में अच्छा काम हो रहा है और इसलिए इनके पेट में जलन आ रही, क्योंकि 3 राज्यों के ये चुनाव हार गए और इनको लगता है कि अभी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का खात्मा होने वाला है, इसलिए ये कुछ तो भी करने का ये प्रयास करे, इनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। तो जिस तरह से हमने कृष्णा खोपड़े इनसे बात की और कांग्रेस द्वारा जो है आज हल्ला बोल मोर्चा जो है शहर में निकाला जा रहा है, तो ये तथ्यहीन मोर्चा है, हारने का डर जो है कांग्रेस को महाराष्ट्र में सता रहा है और इसी के लिए ये सब जो है किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।